ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, न्यूज मेकर्स के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ वैसे हस्तियों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। आज के इस एपिसोड में हम आपको श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा लिए चलते हैं, जहां लोकतंत्र का महापर्व यानी लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों को पूरे जोर शोर से मुकम्मल अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में मथुरा के डीएम श्री सर्वग्राम मिश्रा और उनकी पूरी प्रशासनिक टीम ने लोकसभा चुनावों के बाबत अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आइए मिलते हैं मथुरा के डीएम श्री सर्वग्राम मिश्रा और उनके साथी अधिकारियों से और जानते हैं उनके विचार लोकसभा चुनाव 2019 के बाबत। सबसे पहले सर, ये स्पेशल बुलेटिन जो हम टेलीकास्ट करने जा रहे हैं इलेक्शन के मद्देनजर, इसमें आपका स्वागत है। और मैं ये जानना चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जो 2019 में इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या कुछ इंतजाम आपके तरफ से हुए? देखिए, आप जानते हैं कि लोकतंत्र का जो महोत्सव है, महापर्व है, उसमें 18 अप्रैल का दिन मथुरा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन मतदान दिवस है। दूसरे चरण का मतदान मथुरा जनपद में हो रहा है, जो घोषणा हुई उसमें दूसरे चरण में ये जनपद आच्छादित है। तैयारियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मथुरा जनपद में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है 17 लगती है, 17 है ये। अब जो प्रत्याशियों का फाइनल होना था, नामांकन इत्यादि की प्रक्रिया सभी पूर्ण हो चुकी है, प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं, प्रत्याशी लोग अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हमारी जो बूथों की संरचना है, 2014 बूथ इस मथुरा जनपद में कुल है। हम लोगों ने बूथों पर जो हमारी मिनिमम फैसिलिटी है, मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटी है, उसको सुनिश्चित हम लोगों ने कराया, जिसमें बिजली, पानी, फर्नीचर, शौचालय, इस तरह की जो भी आवश्यक आवश्यकता है उसको हम लोगों ने सभी बूथों पर सुनिश्चित कराए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट की पूर्व में ही तैनाती कर ली गई थी, उन सभी लोगों को कई बार हम लोगों ने उन बूथों पर भेजा है, उनके माध्यम से वल्नरेबल एरिया की मैपिंग की गई है, क्रिटिकल बूथों का चिन्हांकन किया गया है। जो उनसे सूचना मिली थी, उन सूचनाओं के आधार पर हम लोगों ने सभी थाना अध्यक्षों को, क्षेत्राधिकारियों को और संबंधित एसडीएम और एसपी और एडीएम के साथ बैठ करके उन बूथों का पूरी तरह से चिन्हीकरण किया, जो अति संवेदनशील क्षेत्र और बूथ है उनपे पूरी तरह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो मानक है उसके अनुसार से एसएसपी से वार्ता करके कहा गया है कि उसको जो निर्देश है यथावत करेंगे, ताकि चुनाव के दिन हम लोगों की मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था बूथों पर बनी रहे। लगभग 14,000 से अधिक लोग प्रिवेंटिव धाराओं में, निरोधात्मक धाराओं में 107-16 है, उसमें उनकी कार्रवाई, उनको बाउंड डाउन किया गया है सभी तहसीलों में। उस पर एसडीएम सब ने अपने कोर्ट में ये कार्रवाई कर लिए हैं और आगे निरंतर ये कार्रवाई अभी चल रही है। बहुत सारे असलहे जमा कराए गए हैं। साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहूंगा कि तमाम, चूंकि गुंडा एक्ट मेरे ही न्यायालय में चलता है, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट भी कई लोगों पर लगा हुआ है, जो जिनसे ये भय आशंका है कि वो समाज में चुनाव में किसी तरह की अव्यवस्था फैला सकते हैं, उनको चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मतदान की तैयारियों में मैंने आपको बताया कि बूथों पर व्यवस्थाएं मुकम्मल हो चुकी हैं। साथ ही साथ जो हमारी वोटर लिस्ट है,
वोटर लिस्ट फाइनल हो गई है। हमने प्रत्याशियों के फाइनल होने के बाद वोटर लिस्ट और मतदान केंद्रों की पूरी सूची उन सभी को उपलब्ध करा दिया है। मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण का जो प्रथम चरण है वो पूरा हो गया है। संसदीय निर्वाचन हो रहा है उसमें मथुरा लोकसभा क्षेत्र में हमारे कुल 5 विधानसभाएं हैं, छाता, गोवर्धन, माट, बलजो और खुद मथुरा। इसमें हमारे यहाँ कुल 17,99,321 मतदाता हैं। 18 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होना है। इसके लिए हमने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। हमारे जो कार्मिक की तैनाती है वो कर रहे हैं हम, उसके अलावा उनकी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करा रहे हैं हम। एक से 2 ट्रेनिंग हम आप पहले करा चुके हैं और दूसरी हमारी 9 तारीख से लेकर 11 अप्रैल के बीच में BSA कॉलेज में प्रपोज है। इसी के साथ हम सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपना सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान भी बना रहे हैं, साथ में जो हमारे सेक्टर और दोनों में स्टेट की तैनाती वो भी कर रहे हैं। साथ साथ जैसा कि आपने पूछा कि नई क्या इस इलेक्शन के दरमियान है, तो नए में अगर हम देखेंगे तो जो हमारा कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है आपकी माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने उसमें ये कर दिया है कि सी विजिल ऐप के माध्यम से उसको बहुत ही आधुनिक और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तत्काल निस्तारण की व्यवस्था की है। और वो हमारे यहाँ आपने हमारा कंट्रोल रूम भी देखा, बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है और उसमें प्रॉपरली सूचना आ रही है, हमारी FST टीमें जा रही हैं उसको निस्तारित करके ला रही हैं। दूसरी चीज ये है कि हम अपनी FST की सभी टीमों में GPS से उनको ट्रैकिंग कर रहे हैं कि टीमें कहाँ जा रही हैं, कब जा रही हैं, क्या कार्रवाई कर रही हैं, तो पूरी मॉनिटरिंग अपनी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है उनकी। इसी तरीके से EVM की भी जो है मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के माध्यम से हो रही है, GPS के माध्यम से हो रही है कि सभी गाड़ियों में जो भी हमारे दोनों सेक्टर ले जाएंगे अब की बार हम उसमें EVM वाले वाहन में GPS लगा के ही उनको देंगे। ये नई कुछ व्यवस्थाएं हैं और इससे हमको इलेक्शन कराना और भी अच्छा हो गया, पारदर्शी हो गया, मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ सके, इसके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम क्या चलाया आप लोग? हमारे यहाँ स्वीप के तहत बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और हर पाठशाला में, हर विद्यालय में, बूथ लेवल पर तमाम तरह की स्वीप की गतिविधियां चल रही हैं। डायट में भी जनपद में हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से और कुछ हमने प्रचार पोस्टर स्लोगन ये सब किए हैं, उसके माध्यम से हम हर एक व्यक्ति को ये अवेयर कर रहे हैं कि 18 तारीख को जब मतदान है तो अपने घरों से निकल के ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करें। लोकतंत्र का महापर्व जो 2019 में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसका आयोजन हो रहा है, तो इस उपलक्ष में क्या कुछ तैयारियां की गई है जिला प्रशासन की तरफ से, उसकी कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जिला प्रशासन द्वारा आयोग ने समय समय पर जो भी निर्देश दिया है उसका पूर्ण रूप से पालन कराया जा रहा है और सख्ती से जो भी आदेश निर्देश माननीय आयोग से आ रहे हैं, चुनाव आयोग से, उसका पालन कराया जा रहा है। जैसे कि अब तक कर्मचारियों की पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी की एक बार ट्रेनिंग कराई जा चुकी है, और मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेटों की विधानसभा वार जिलाधिकारी महोदय व मेरे द्वारा तथा ADM वित्त राजस्व द्वारा बराबर की जा रही है। सभी को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा चूंकि इस बार VVPAT से मतदान होगा, इसलिए VVPAT के विषय में, EVM के विषय में भी सबको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है। चुनाव के संदर्भ में आपके तहसील के तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है उसकी पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए। तहसील की तरफ से जैसे हमारा रोल SDM का रोल
ईआरओ का होता है, जो सारी मतदाता सूची बनाने का काम हमारे स्तर से देखा जाता है। जो विधानसभा क्षेत्र 84 मथुरा का काम हमारे यहाँ से किया गया, मतदाता सूची को तैयार करने का कार्य। उसके बाद मैं स्पेसिफाइड ईआरओ भी हूँ डिस्ट्रिक्ट में, तो नामांकन वगैरह इत्यादि का कार्य भी हमारे द्वारा किया गया। साथ ही अब हमारे तहसील स्तर पर जो कार्य होने हैं, अब जो मतदाता सूची की वर्किंग कॉपी बनती है, मार्क कॉपी बनती है, जो पीठासीन अधिकारी लेके जाते हैं चुनाव के दिन, या जो कॉपी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रत्याशियों को दी जाती है, वो सब तैयार की जा रही है और कुछ कर भी ली गई है। साथ में अभी ईवीएम जो है, ईवीएम की सीलिंग के काम होंगे, कैंडिडेट सेटिंग्स के काम होंगे, उसके बाद ईवीएम को पॉलिटिकल पार्टीज को जो ईवीएम डिस्पैच किया जाता है, फिर पोल के बाद ईवीएम को रिसीव करने का कार्य है, इत्यादि कार्य है जो अभी तहसील स्तर से हमारे द्वारा विधानसभा मथुरा का है, उसका सारा कार्य किया जाएगा। इसी इस तरह के कार्य हमारे किए जा रहे हैं, कहाँ वेबकास्टिंग होनी है, कहाँ वीडियोग्राफी होनी है, कहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर लगने हैं, क्रिटिकल बूथ कौन से हैं, वल्नरेबल बूथ कौन से हैं, इन सब की एनालिसिस जो होती है वो तहसील स्तर पर विधानसभा वार की जाती है, जो हमारे यहाँ की जा रही है। कितने संवेदनशील बूथ हैं आपके यहाँ आपके तहसील में? क्रिटिकल संवेदनशील का जो है वो एक्चुअली क्रिटिकल बूथ का डेटा होता है। क्रिटिकल बूथ का जो हमारे डेटा है, अभी तो 60 बूथ चिन्हित हैं, लेकिन उसके बारे में अभी सीईओ के साथ बैठक है, कल इसको फाइनल डेटा इसको फाइनलाइज किया जाएगा, उसके बाद उसमें कितने वल्नरेबल हैं उसका आइडेंटिफिकेशन कल बैठक के बाद ही फाइनल किया जाएगा। हमारे माध्यम से दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को मैसेज ये देना चाहूँगा कि इस बार जैसे कि माननीय चुनाव आयोग का एक मोटो है कि कोई मतदाता ना छूटे, तो सर्वप्रथम तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग, चाहे वो जो भी लोग हों, सब लोग जो भी वोटर हैं वो अपना वोट जरूर दें। सबसे पहले तो ये कोई भी मतदाता ना छूटे। दूसरा, ये एसेसेबल इलेक्शन है, इस बार दिव्यांग मतदाताओं को काफ़ी टारगेट किया जा रहा है कि भाई वो वोट करें। हमारे यहाँ 25 बूथ ऐसे मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर 10 से ज़्यादा विकलांग मतदाता दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था भी बूथ पर कराने का प्रबंध किया जा रहा है, वो कराई जाएगी। तो दिव्यांग एसेसेबल इलेक्शंस जो है उसका हम लोग इस बार प्रयत्न कर रहे हैं कि एसेसिबिलिटी अच्छी हो। साथ में जो एश्योर मिनिमम फैसिलिटीज़ होती हैं बूथ पे, शौचालय, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सेट की व्यवस्था, फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था है, ये भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं ताकि जो कोई भी मतदाता न छूटे और एसेसिबल इलेक्शन का जो माननीय चुनाव आयोग का एक संकल्प है उसको पूरा कर सके। चुनाव 2019 की तैयारियों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मथुरा के डीएम श्री सर्वग्राम मिश्रा और उनके अधीनस्थ प्रशासनिक टीम ने दिन रात एक कर दिया है। मथुरा डीएम श्री सर्वग्राम मिश्रा के नेतृत्व में जहां एक तरफ चुनावों के बाबत अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को चुनाव संबंधी ट्रेनिंग दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर वोटिंग मशीनों के उचित रखरखाव और चुनावों के प्रति जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे कि अधिक से अधिक वोटरों को मतदान केंद्रों तक आने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसी अभियान के तहत पिछले दिनों मथुरा के जिलाधिकारी और उनकी टीम के द्वारा स्थानीय रेलवे स्टेशन पर भी एक वोटर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मथुरा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर मथुरा स्टेशन से रवाना किया। अच्छा, आज जो ये आयोजन बच्चों के द्वारा किया जा रहा है रेलवे स्टेशन पर, इसका मुख्य मकसद क्या है और क्या कुछ है इसके बारे में आप ब्रीफ करें? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारतीय रेल से एक समन्वय स्थापित करते हुए मतदाताओं में जागरूकता, निर्वाचन के प्रति, मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है पूरे भारतवर्ष में, जिसके तहत हमारे जो हमारे लिए पत्र प्राप्त हुआ उसमें निर्देश है कि लोकल लेवल पे यहाँ रेलवे प्रशासन से संपर्क करके किसी एक ट्रेन को
संबंधित जिलाधिकारी द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाए, तो उसी के तहत आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे स्वीप के अंतर्गत स्कूल के बच्चों को बुलाया गया है और नुक्कड़ नाटक के लिए हम लोगों ने तैयारी की है, नुक्कड़ नाटक करेंगे। इसका जो मूल उद्देश्य है कि लोगों में निर्वाचन तथा मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करना, अपने मताधिकार का प्रयोग हर वो नागरिक जो मतदाता सूची में दर्ज है वो अवश्य करे, इसी के तहत ये निर्वाचन आयोग की पहल है जिसके तहत आज हम लोग ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए हैं। दोस्तों, अब हम आपको अपने दूसरे मेहमान से रूबरू करवाते हैं, जिनके कुशल कार्यशैली और ईमानदार छवि के चलते मथुरा पुलिस आज अपराधियों के लिए एक आफत बनी हुई है। मथुरा के पुलिस कप्तान श्री सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभालते ही जिले के अपराधियों पर अपना सिकंजा कस उन्हें पुलिस के सामने हथियार डालने को मजबूर कर दिया है। व्यक्तिगत रूप से मूलभाषी और आम जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले पुलिस कप्तान ने मथुरा की पुलिस व्यवस्था को एक नया स्वरूप दिया है। तो आइए मिलते हैं मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज से। सर, वेलकम टू न्यूज मेकर्स। और हम ये जानना चाहेंगे कि मथुरा जनपद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है और यहाँ बहुत से श्रद्धालुओं का आना होता है, तो यहाँ की पुलिसिंग में आपके मार्गदर्शन में क्या कुछ बदलाव और सुधार किए गए? थैंक यू नीरज जी। देखिए, मथुरा जनपद की दो चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती तो ये है कि जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं वो श्रद्धा भाव से आ रहे हैं, वो दर्शन करने आते हैं यहाँ पर, तो उनकी सुरक्षा हो, उनकी भावनाओं की सुरक्षा हो और उन्हें अच्छा व्यवहार पुलिस से मिले। अगर उनका कोई परिजन बिछड़ जाए वो भी मिल जाए, उनका मोबाइल गिर जाए वो भी मिल जाए, उनका कोई पर्स खो जाए वो भी मिल जाए, तो इसके लिए हमें सब व्यवहार की लगातार ब्रीफिंग की जाती है, लगातार रिफ्रेश किया जाता है अपने स्टाफ को जो इन क्षेत्रों में लगा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरी चुनौती है, चूंकि हमारी अंतर्राज्यीय सीमा जो राजस्थान और हरियाणा से लगती है वो तकरीबन 50 किलोमीटर राजस्थान से और 19 किलोमीटर हरियाणा से लगती है, इन सीमाओं के तरफ से कुछ ऐसे अपराधीगण हैं जो लगातार इस क्षेत्र को व्यथित करते रहते हैं और तरह तरह की घटनाएं करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि हमने हरियाणा का भी 2 लाख का एक इनामी आदमी पकड़ा था, तो इस तरह के लोग सक्रिय रहते हैं। साथ ही शराब की तस्करी का ये एक अच्छा मार्ग है, आपने देखा होगा कि इस बीच लगातार शराब पर कार्रवाई हुई है और एक्सप्रेसवे होने के कारण एक्सीडेंट का भी एक चुनौती हमारे यहाँ रहती है। NH2 का 80 किलोमीटर और एक्सप्रेसवे का 88 किलोमीटर, ये दोनों हमारे लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो मथुरा जनपद पे पुलिसिंग के हर आयाम में एक चुनौती मौजूद है और मुझे खुशी है इस बात की कि एक टीम के तौर पर मथुरा पुलिस इस कार्य को अच्छी तरह अंजाम दे रही है। पर्यटन पुलिस का क्या अभी क्या तैयारियां चल रही है? पर्यटन पुलिस की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं यहाँ पे और टाइम टू टाइम शासन को आप लोगों की तरफ से वो उसके लिए डिमांड भी भेजी जाती है, तो लेटेस्ट स्टेटस क्या है? पर्यटन पुलिस के लिए शासन की तरफ से अनुमति है हमें और ये स्थान के बारे में अभी निर्णय नहीं हो पाया है, उसके लिए पत्राचार कार्यालय के स्तरों पर किया जा रहा है और शीघ्र ही हम पर्यटन थाना जो है उसका उद्घाटन यहाँ करवाएंगे। इसके अलावा जो हमारे यहाँ अतिरिक्त बाइकें हैं पुलिस की, उनके माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि जितने भी पर्यटक आ रहे हैं उन्हें अगर कोई मदद की आवश्यकता है तो वो निस्संदेह उन्हें दी जा सके। इसके लिए हमने वृंदावन क्षेत्र में अतिरिक्त बाइकें दे रखी हैं और गोवर्धन क्षेत्र में भी हमने बाइकें दे रखी हैं। यहाँ पे कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए क्या हो रहा है सर? देखिए, यहाँ जो बहुत सारी ऐसी जनसंख्या है जो रिमोट क्षेत्र में रहती है और उसके जीवन यापन के स्रोत अत्यंत निम्न किस्म के हैं, अत्यंत सीमित हैं और इस कारण वह कई बार अपराध में भी संलिप्त होती है या अपराध में संलिप्त होने वाले लोगों की मदद करती है। हमने जो प्रयास किया है वो प्रयास किया है इस वक्त चुनावी माहौल में तो सबसे ज़्यादा एरिया डोमिनेशन करते हुए लोगों में, ऐसे लोगों में जो तथाकथित निर्बल वर्ग से हैं और जो शोषित या वंचित वर्ग से हैं, उनके मन में इस बात का विश्वास दिलाना कि प्रशासन आपकी मदद के लिए है
और आप लोकतंत्र के इस महापर्व में लगातार सक्रिय रहकर और योगदान दे सकते हैं। और कमेटी के तौर पे हमारा उनसे एक संवाद है, हमारी एक बातचीत है और लगातार हम उनके संपर्क में रहते हैं। विशेष कार्यक्रमों के बनाए जाने की योजना भी चल रही है, जिससे कि न केवल अपराध पर नियंत्रण हो बल्कि विभिन्न समुदायों को जो अपने आप को हाशिए पर महसूस करते हैं उन्हें भी बेहतर विकल्प दिखाई दें और पुलिस के माध्यम से दिखाई दें। जी, यहाँ दो चैलेंजेस हैं मथुरा पुलिस के सामने, एक तो रिफाइनरी की सुरक्षा और दूसरा श्री कृष्ण जन्म स्थान और जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं वृंदावन मंदिर। तो इसके लिए आपकी क्या प्रायोरिटी मेजर्स हैं और क्या कुछ स्टेप्स? प्रत्येक माह में रिफाइनरी के कर्मियों के साथ मिलकर हम वहाँ की एक मॉक ड्रिल करते हैं और लगातार हम इस बात को लेकर संवेदनशील रहते हैं कि ये एक वाइटल इंस्टॉलेशन है और इस महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपको विदित होगा, इसके लिए अलग से रिफाइनरी थाना भी है, उस क्षेत्र को देखता है, उसके अलावा रिफाइनरी चौकी भी है और निरंतर हमारा लाइजिंग बना रहता है। बल्कि जो काले तेल के माफिया हैं उन पे कार्रवाई विगत में हुई है, उन पे 14 एक्ट के अंतर्गत उनकी संपत्ति को उपयोग करने के लिए अटैच कराने के लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। कृष्ण जन्मभूमि जो स्थल है उस स्थल के लिए डेडिकेटेड फोर्स है जो जोन स्तर पर लगाई जाती है और उसकी अलग ब्रीफिंग होती है। वहाँ न केवल यूपी पुलिस की फोर्स है बल्कि आप देखते होंगे कि केंद्रीय जो हमारे संगठन है पुलिस के उनकी भी फोर्स वहाँ पर तैनात रहती है। वहाँ क्यूआरटीज रहती हैं, स्वॉट टीम्स रहती हैं और फायर की सारी व्यवस्था वहाँ देखी जाती है। तो वो उस पूरे इलाके को कई जोन में बांटा हुआ है और पूरी ड्रिल कराई जाती है वहाँ पर और पूरी कोशिश की जाती है कि वहाँ किसी तरह की चूक ना हो। लोगों के बैग्स स्कैन किए जाते हैं, उनके फिस्किंग की जाती है और संपूर्ण रूप से सुरक्षित रखने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। एक छोटा शहर और जनपद होने के नाते, मथुरा मुख्यालय होने के नाते, यहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है पुलिस के सामने, स्पेशली बस स्टैंड और तमाम वैसे व्यस्ततम चौराहे, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब मैं आया था तो मुझे लोगों ने फीडबैक दिया था, उस फीडबैक के बाद हमने अपने प्रयासों से जो बस स्टैंड है उसके पास में डिवाइडर लगवाया और उससे हमें काफ़ी राहत मिली है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि मेरे दाहिने हाथ पर जो स्क्रीन चल रही है इसमें ऐसे 16 संवेदनशील बिंदु हैं जिन पर जाम लगने की आशंका रहती है। मैं उन्हें सीधे यहाँ से देखता रहता हूँ, यदि कहीं कोई जाम लगने की स्थिति आती है तो मैं तत्काल यहाँ से अवगत कराता हूँ और इसके प्रति लोगों को लगातार संवेदनशील किया जाता है। आकस्मिक चेकिंग करके भी लोगों को संवेदनशील किया जाता है और कुछ ठोस कार्रवाई भी की जाती है। इसके अलावा जो हमारे प्रमुख चौराहे हैं जैसे गोवर्धन चौराहा है या वृंदावन छुटीकरा चौराहा है या अन्य ऐसे चौराहे हैं, वहाँ पे हमने पोल्स लगवाए हैं, उन पोल्स पे चेन लगवाया है ताकि जितने भी ऑटो या छोटे वाहन हों वो उस क्रम से निकलें और वहाँ पे कोई बदमजगी ना हो या कोई इस तरह का केओस ना हो। हमारे जितने भी न्यूज मेकर्स चैनल के दर्शक हैं, हरी का शुभ आशीर्वाद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। न्यूज मेकर्स के सभी दर्शकों का हार्दिक शुभ भराभिनंदन एवं न्यूज मेकर्स के चैनल के जितने पदाधिकारी हैं उनको बहुत बहुत बधाई। हम अपील करते हैं भारत के समस्त नागरिकों से कि ये जो मतदान है ये भारत का सबसे बड़ा पर्व है, इस पर्व पे सभी अपने मत का दान करके पुण्य के भागी बने। न्यूज मेकर्स के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण बंदे जगत गुरु, इस समय पूरे भारतवर्ष में जो है चुनावी युद्ध चल रहा है, एक मजबूत सरकार राष्ट्र को चाहिए,
जो राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और समाज की रक्षा कर सके। न्यूज मेकर्स के माध्यम से समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामना, और प्रजातंत्र और लोकतंत्र का ये स्वर्णिम अवसर है, इसलिए हम सब लोग घर से निकल करके मतदान करें और भारत को सुदृढ़ और मजबूत बनावें। न्यूज मेकर्स चैनल के सभी दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। न्यूज मेकर्स के लिए सभी बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये महापर्व से हम लोग गुजर रहे हैं, पूरे भारत वर्ष में चुनाव का अभियान चल रहा है। मेरे सभी देशवासियों से हार्दिक अनुरोध है कि चुनाव के समय हम देश को सशक्त राज्य के रूप में और राष्ट्र के रूप में मतदान करें, जिससे एक मजबूती की सरकार हमको प्राप्त हो।